हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। जिसमें रियल रूट्स एग्जिस्ट होगा उसी को हमें फाइंड करना है। इसका मतलब कोई कंडीशन है, वो कंडीशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको इसको बहुत डिटेल में समझना है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके आप क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय जावेद सर करके आप अगर सर्च करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा, जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नहीं तो आपको इसी स्क्रीन पर आई करके सिंबल दिख रहा होगा, उस आई पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट आएगा। उस प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है डी इसके पूरे केस के बारे में, तो पहले आप उसको देख लीजिए, देन आफ्टर इस क्लास में आइए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसमें करना क्या है। आपको देखिए, यहां पर हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x² - 3x + 5 = 0। a कितना है, तो a यहां पर देखिए 2 है। b की वैल्यू ले लीजिए 3 - 3, और c है हमारे पास 5। पहले आप d निकालेंगे, d = b² - 4ac। ये फॉर्मूला होता है गाइस, याद रखिए, b की वैल्यू -3² - 4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। -3² करेंगे 9 आएगा, 4 × 2 = 8 और 8 × 5 = 40। फिर आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा -30, जो कि आप देख सकते हैं d की जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन क्या आ रही है, 0। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन नो रियल रूट्स फाउंड, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे hence no real roots found। यहाँ पे एक भी रूट्स फाउंड नहीं होगा बिकॉज d लेस देन 0। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड आपको क्या कह रहा है, तो सेकेंड है हमारे पास 3x² - 4√3x + 4 = 0। a की वैल्यू कितनी है 3, b कितना है, तो b है -4√3 और c कितना है 4। सबसे पहले ऐसे आप डिफाइन कर दीजिए a b c, फिर उसके बाद आप निकालिए डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। b की वैल्यू -4√3² - 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू है आपके पास 4। अब -4√3² करना है, मतलब कैसे करेंगे, -4√3 × -4√3। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, +4 × 4 = 16 और √3 √9, तो ये हो गया √9। आपको पता है √9 अगर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 3, अब 16 का इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48। तो इसका आंसर आ चुका है 48 माइनस, अब इसको सॉल्व करिए, 4 × 4 = 16 × 3, फिर से इसका भी आंसर कितना है 48। तो d की जो वैल्यू मिल रही है गाइस वो क्या मिल रही है, 0। d की वैल्यू कितनी मिल रही है 0। अगर जब d की वैल्यू अगर आपको 0 मिलेगा तो hence two equal real roots found। ओके, मतलब दो रूट्स मिलेंगे, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल। चलिए कैसे निकालेंगे आप, तो आपके पास मेथड है निकालने का, α = -b + √d/2a। α = -b, b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू आपके पास है -4√3 + √d। d की तो वैल्यू कितनी आ गई है 0/2a। a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू है 3। सॉल्व कर दीजिए इसको, -4√3/2 और ये इंटू में क्या था 3। ओके, कैंसिल कर दीजिए इसका, इससे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2√3/3। आपका ये भी आंसर है। अगर आप इसको और भी सॉल्व करना चाहेंगे गाइस तो आप इसको 3 को क्या ले सकते हैं, पता है, √3/√3, तो ये √3 से √3 कैंसल, क्या आ जाएगा 2√3।
तो ये अल्फा की वैल्यू, सिमिलर यही वैल्यू किसकी मिलने वाली है, बीटा, बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 2/√3। आप यहां तक भी सॉल्व करेंगे तो भी राइट है, या आप 3 को क्या लिख सकते हैं, √3, √3, तो रूट से रूट कैंसल, बचेगा क्या, अपॉन में √3, तो 2√3 और 2√3 आपका आंसर। फटाफट नोटबुक में लिख लीजिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए रफ करूं इसको, हो गया क्या, रफ करूं, ओके चलिए यहां पर समझिए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 2x² - 6x + 3, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सेम पहले आपको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा ABC। चलिए देखिए, यहाँ पर जो थर्ड वाला क्वेश्चन था, 2x² - 6x + 3 = 0, ए डिफाइन कर लीजिए 2, बी डिफाइन कर दीजिए -6, और सी कितना है 3। आप डी निकालिए, D = B² - 4AC, बी की वैल्यू -6² 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, ओके रख दीजिए 6 का, -6² करेंगे तो 6 जा कितना होगा 36, -4 2 8 8 3 32 24 4 3 2 6 6 4 24। अब इसको माइनस करिए, 6 - 4 2 3 - 2 1, तो आ चुका है आपके पास 12, डी की वैल्यू कितनी आई 12। अगर डी की वैल्यू 12, इसका मतलब क्या है, D > 0 है, देखिए D > 0 है, अगर D > 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाउंड। अब हमें अलग अलग दो रूट्स मिलेंगे, मतलब हमें निकालना पड़ेगा अल्फा और बीटा। चलिए मैं आपको यहां पर अल्फा निकाल के दिखाता हूं, α = -B + √D/2A। गाइस ये फॉर्मूला है, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, माइनस बी की वैल्यू, तो बी है हमारे पास -6 प्लस √D है 12 अपॉन 2, और ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारे पास 2, सॉल्व कर दीजिए, -6 + √2L/2 ओके। अब इसको देखिए, आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को तो ये 6 को आप लिख सकते हैं क्या 3 * 2 लिख सकते हैं, 3 2 = 6, प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 को आप लिख सकते हैं 4 * 3 लिख सकते हैं, 4 3 = 12 अपॉन 2 * 2। अब देखिए इसमें मैं क्या करने वाला हूं, अच्छे समझिए, 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 को मैं बाहर ले लूंगा, तो जब मैं 2 को बाहर लूंगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे भाई मेरा कैमरा चेक करना पड़ता है, हाँ दिख रहा है आपको। चलिए देखिए, यहां पर ये 4 है, 4 का रूट निकालेंगे तो ये 3 * 2 + 2 निकाल दीजिए, और ये क्या रह जाएगा, रूट में 3 / 2 * 2। अब मैं यहां पे गाइस 2 इधर देखिए कॉमन दिख रहा है यहां पर, अगर आप यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 + √3/2 * 2, तो 1 2 से यहां पे 2 कैंसिल हो चुका है हमारे पास, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आया 3 + √3/2, तो आपके पास ये आंसर आ चुका किसकी, अल्फा का। और सिमिलर ये अल्फा का आंसर, अब आपको क्या निकालना है, बीटा, तो बीटा निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, β = देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, β = -B + √D/2A। सिमिलर गाइस, माइनस बी की वैल्यू रख दीजिए, बी कितना है -6 - √D/2L/2 एक ही जगह पर 2, ये हो जाएगा प्लस में 6 माइनस में √2L/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 3 * 2 इसका भी होगा, और ये क्या हो जाएगा 2√3/2 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए तो 3 - √3/2 2 से 2 कैंसिल 3 - √3/2
तो गाइस आपके पास ये वैल्यू किसकी मिल गई, बीटा। तो ये अल्फा और ये बीटा, तो फटाफट इसके नोटबुक में लिख लीजिए। ओके